मम्मी आज की वीडियो उन फैंस के लिए जिन्हें हॉरर मूवीज या सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। वो डर क्या होता है आज मैं इस वीडियो पे कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आप कोई भी वेब सीरीज देखोगे तो इस पे आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा, वो है एक्सपीरियंस और थ्रिल। अगर आपको कोई भी वेब सीरीज चाहिए हो और कोई भी वेब सीरीज आपको देखना हो तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक रहेगा। और कोई भी स्पेसिफिक मूवी यानी कि आपको कोई भी मूवी देखना हो और आपको नहीं मिल रहा हो टेलीग्राम पे या कहीं पे भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा और जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए है टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज जिसपे एक के बाद एक आपको स्टोरी लाइन खतरनाक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस ऐसे क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 कैस्टल रॉक। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। स्टोरी की अगर हम बात करें तो कहानी शुरू होती है एक माँ और एक डॉटर से जो कि एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने कुछ अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता है। लास्ट तक वही दोनों इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कैसे सर्वाइव करते हैं इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश में रिलीज की गई है। 7.6 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। 4 हॉन्टेड। सीरीज बेस्ड है हॉरर क्राइम ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। इसका 3 सीजन आ चुका है अभी तक। आप लोग अगर ये सीरीज देखना स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन से स्टार्ट करना। ये सीरीज उनके लिए जिनको रियल स्टोरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये सीरीज गलती से मिस मत करना। इसका हर एक एपिसोड आपके लिए नया कैरेक्टर दिखाया जाएगा, हर एक एपिसोड पे एक नया स्टोरी देखने को मिलेंगे जो कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 6.1 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 द टेरर। सीरीज बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की सीजन 1 शुरू होती है एक क्रूज है जो कि एक्चुअली में ट्रेवल कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने एक अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है। वेब सीरीज पे आपको देखने को मिलेगा कि एक शिप में जितने लोग रहते हैं सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से गुजर रहे हैं और अपने आपको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। सीरीज 8.1 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है Amazon प्राइम पर। नंबर 2 किंगडम। जब भी कोई हॉरर मूवीज है हॉरर सीरीज की बात आए और उस लिस्ट पे अगर किंगडम ना हो तो मतलब वो लिस्ट ही बकवास है। सीरीज बेस्ड है हॉरर क्राइम ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। स्टोरी की अगर हम बात करें तो कोरियन किंगडम अचानक से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और इस बीच वहाँ के राजा किसी तरह से सर्वाइव करना चाहता है और वहाँ पे सारे ज़ॉम्बी को मिटाना चाहता है। ये सर्वाइव कर सकता है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ये सीरीज 8.4 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। मैंने आज तक बहुत सारे सीरीज देखे, बहुत सारे मूवीज देखे हॉरर, कोई भी पसंद नहीं आता इतना जल्दी, लेकिन ये सीरीज भाई एक ही सेकंड में मुझे पसंद आ गया था, लिटरली एक ही सेकंड में। क्योंकि यार मुझे पता था कि ये सीरीज में कुछ बात होने वाली है जो भी आपको भी यही चीज पे अट्रैक्ट होगा। तो हम बात करें द हंटिंग ऑफ हिल हाउस। सीरीज बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। ये सीरीज आपको धीरे धीरे करके इतना डराएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक टाइम के लिए आप जब बैठ के नीचे देखोगे तब आप लोग को लगेगा कि भाई क्या देख लिया मैंने। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें, एक फैमिली जो एक हिल हाउस पे रहने जाते हैं, इनके पास्ट और प्रेजेंट के टाइम पे चल रहा होता है, कैसे इनके पास्ट लाइफ के वजह से प्रेजेंट लाइफ की बाट लग जाती है, इसको मैं एक वर्ड में समझा भी नहीं सकता हूँ और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं करा सकता हूँ, इसलिए आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज, ये सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में आज तक ही शायद आपने इस लेवल का कोई स्टोरी भी देखा होगा, कोई मूवी भी देखा हो या कोई सीरीज भी देखा हो। 0.6 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। आज मैंने बहुत सारे मूवीज कवर कर लिए, एकदम 5 मूवीज जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आई होप आप लोगों को ये काउंटडाउन बहुत ज्यादा पसंद आए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। क्रिश कोई वेब सीरीज बता यार, नेक्स्ट वीडियो बनाना है। ऑल माल किधर है?